मैं फरहान आईएमबी से और आज मेरे साथ शरियार खान साहब हैं। आप लोगों ने कल मंसूर खान का वीडियो देखा होगा, तो उस वीडियो के ऊपर हम लोगों ने कुछ रिपोर्ट बनाए हैं और उसमें कितनी सच्चाई है उसके ऊपर हम लोग रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। शरियार भाई, वीडियो का जो पहला लाइन है उसके ऊपर आपको बात है। उन्होंने कहा कि किन हालात में वहाँ से मैं अपने आप को बचाते हुए, मेरे फैमिली को बचाते हुए निकलना पड़ा, उन्होंने कहा ये बात। तो अब ये है कि मुजाहिद का हमने इंटरव्यू किया था, वो आपने देखा होगा। ओ अच्छा जी, तो वो उसमें उन्होंने कहा कि मैं उनसे एयरपोर्ट पे मिला था, उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ आज और 10 को मंडे को वापस आ रहा हूँ पैसा लेके। तो अब ये बात है कि पूरे वीडियो में कहीं भी मंसूर खान ने ये नहीं बोला कि मैं पैसा लाने गया था, मिला नहीं था, वापस आया, प्रॉब्लम हुआ, ऐसी बात नहीं कही। ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ परेशानियों के से मैं निकल के भागा हूँ। तो अब ये दोनों लोगों की बात में यहाँ पे डिफरेंस है। तो एक पॉइंट ये है सर। दूसरा ये बोलना चाह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा कि 14 जून को मैं इंडिया आना चाहता था लेकिन मेरे को वहाँ से उतार दिया गया फ्लाइट से, वो रीज़न क्लियर नहीं किया है। 14 जून से 23 जून तक उन्होंने क्या किया उसका खुलासा नहीं किया है, इतना वेट करके वीडियो क्यों रिलीज़ किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि अपनों ने गद्दारी की, जो मैनेजमेंट में थे उन लोगों ने गद्दारी की, मुझको कोई रहनुमा नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है, उस वक्त जब ये यहाँ से भाग गए। और अब ये कहते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ, तो उस वक्त आप क्यों नहीं रुक कर इस चीज़ को करते, क्योंकि सारा बिजनेस आपके हाथ में था, तो ये करना आसान था। अब तो जब आएंगे भी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे कि ये सारा चीज़ अब गवर्नमेंट के हाथ में, उसके हिसाब से चलेगा। अच्छा, उसके बाद है कि अब पुलिस के पास आकर सब कुछ बताना चाहता हूँ, आप ये सारी बातें बिना भागे हुए भी बता सकते थे क्योंकि आप काफ़ी कंफर्टेबल थे और रमज़ान के पहले भी आप लोगों को वीडियो रिलीज़ करके बोल रहे थे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, स्मूथ रनिंग हो जाएगा रमज़ान के बाद जब खुलेगा तो जी। तो यहाँ डिफरेंस है थोड़ा जी। और सर उन्होंने कहा कि इतने लोगों का मैंने इतने सालों तक ख्याल रखा और जब मुझको प्रॉब्लम हुआ तो किसी ने मेरी मदद नहीं की, तो आपने किससे मदद मांगी कि जो आपने ये कमेंट पास किया कि लोगों ने मेरी मदद नहीं की, तो ये लिस्ट भी लोगों से पूछना पड़े भाई किससे किससे उन्होंने मदद मांगी, क्योंकि कोई अभी तक नहीं आया ये बोलने के लिए उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। और उसके बाद है कि ये बोल रहे हैं कि इनके पास जो पैसा बचा हुआ है वो टोटल है 1350 करोड़, हम इसको बेच के लोगों को पैसा वापस दे देंगे। अब इनके हाथ में नहीं है, जो भी एसेट है ये गवर्नमेंट और लॉ के हिसाब से होगा, ठीक है। और उसके बाद बोलते हैं ये पोंजी स्कीम नहीं, अब पोंजी स्कीम हो नहीं हो अब उससे अब कोई मैटर नहीं, ठीक है। इसके बाद बोलते हैं कि ये जो आईएमए फेल हुआ है उसके फेल होने का कारण है सेंट्रल लेवल का करप्शन, स्टेट लेवल का करप्शन, और इन लोगों ने बैंक करप्ट होने की कोशिश की आईएमए को और उसमें ये लोग कामयाब हो गए। इसका मतलब है कि आपके पास पैसा नहीं था, आप बैंक करप्ट हो चुके थे, ये आपका ही सेंटेंस है। तो और आपके पास पैसा वापस देने के लिए आपके पास पैसा नहीं था, ये इनके वीडियो से निकाल के बोल रहा है, ये मेरी जबानी नहीं है, मेरा कहानी नहीं है, आप जब गौर से सुनेंगे तो यही मतलब निकलता है। अच्छा, ये जो चीज देना चाहते हैं अब इनको देने तो इनके हाथ में है नहीं। इन्होंने ये भी कहा कि अभी उन लोगों का मैं नाम ले लूंगा तो जो फैमिली हमारी इंडिया में है उसके ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो लोग कुछ भी हरकत कर सकते हैं। तो बात ये है कि आप जब ऑलरेडी ये सब बात कर रहे हैं तो अगर कोई लोग सताया होगा तो ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये हमारा नाम लेने वाला है, तो इस पॉइंट का भी कोई मतलब नहीं बनता। पहले बात तो ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द वीडियो ये बोलेंगे 1350 करोड़ के मेरे पास एसेट्स हैं जी, एसेट्स होने के बाद आप क्यों भागे। आपके हिसाब से ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दे के हैं उनको शायद किसी लॉयर को कंसल्ट करके शायद देना था, सेल्फ इम्प्लिकेटिंग सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग है वो, दिस विल बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट अगेंस्ट हिम, क्योंकि एक तरफ बोलते हैं कि एसेट्स हैं, दूसरे तरफ बोलते हैं कि मैं बैंकक्रप्ट हो गया एंड सम पीपल आर इन्वॉल्व, वो जैसे पहले लोगों का नाम लेते हैं। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ फरहान साहब, जिसका नाम इन्होंने ले हैं इसमें कुछ लोगों के इस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा पब्लिक लाइफ में,
बट कुछ लोग जैसे इरफान रजाक है, हमारे फिरोज साहब हैं फिरोज स्टेट एजेंसी के, जी दे आर पर्सनेजेस, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी को बहुत तगड़ी है। हाँ। एक एलिगेशन करने से पहले कुछ यू नो सम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना ना, वीडियो में कहीं काफी दिनों से फिरोज अब्दुल्ला सोसाइटी में बहुत काम किए, विनोद करे हैं, इरफान रजाक करे हैं, ये इरफान रजाक और मतलब इंटायर प्रेस्टीज ग्रुप। हम मंसूर के बारे में इसलिए बोल रहे हैं ना कि हम उनके बारे में भी नहीं बोलते थे, क्योंकि ही रैन अवे, एस्केप हो गए, इसलिए बोल रहे हैं। तो उनके बारे में हमको भी हक नहीं था बोलना, तो ये मुझे बड़ा बड़ा अजब दिखा कि यू नो एक रेस्पेक्टेबल पीपल ऑफ द सोसाइटी को एक इमिडिएटली मलाइन करना, ऐसे सीरियस एलिगेशन लेवल करना, आई डोंट थिंक दैट इज गुड। एंड इनका कॉन्ट्रडिक्शन बहुत हैं, ऑफ मुझे प्लेन से ऑफ बोर्ड करे, क्यों ऑफ बोर्ड करे, तो मैं आई डोंट नो वेयर ही, सऊदी और दुबई, वहाँ तो आप कुछ क्राइम नहीं करे, आपके खिलाफ तब रेड कॉलर नोटिस भी नहीं इशू, रेड ब्लू कॉलर नोटिस भी नहीं इशू नहीं हुआ था, आपकी पासपोर्ट भी रिवोक नहीं करे थे, वाई डिड दे आस्क यू टू डी बोर्ड? मतलब वॉज देर ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप उनको रोको रहो? क्यों बोलेंगे इंडिया रोको रोको, इफ दी इज कमिंग Dubai doesn't, I mean any Gulf country should not have a problem, na? Because he has not committed any crime there. The crime has been committed here. Actually, India, Dubai ke jo UAE ke extradition TT 2000 ki hai, usko na voluntarily, usko invoke karne ki bhi zarurat nahi padti thi. To mujhe ye bada, inka ajab dikhya. Kyunki India to aur welcome karega ki aap jaldi aao ki hum poochchat karein. Haan, definitely na, udhar kuch crime nahi hua na. तो अब ये जो कुछ पॉइंट मैं और बता दूं, ये इन्होंने कहा कि मेरे पास अभी जो है, मैं जब वहाँ से छोड़ कर निकला था तो 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, एक 120 केजी का गोल्ड की ज्वेलरी था और 600 केजी गोल्ड का बुलियन था, ठीक है। और इनको बोल रहे, ये बता रहे हैं कि अब मुझे पता चला है फ्राइडे नाइट को कुछ चीज़ें वहाँ से हटाई गई, तो अब कौन से फ्राइडे नाइट चीज़ें हटाई गई? नहीं, हियर से देखिए, हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन हाँ। अभी हियर से है ना, अब ये कुछ भी बोल सकते हैं ना, ही कैन से एनीथिंग, ही कैन से माय कजिन टुक अवे द गोल्ड, कार्टेड अवे द गोल्ड। अब लोगों को, अब देखिए फरहान साहब, इंसाफ तभी मिलेगा जब आदमियों को उनका पैसा मिलेगा, दैट इज अ बॉटम लाइन। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, लोग बोल रहे थे कि मंसूर साहब तुम्हें आ जाओ, हमें हिफाजत देती, हिफाजत पापे बेचारे लोगों को देने की जरूरत नहीं है, मैं इनका गम समझ सकता हूँ, मैं हिफाजत पुलिस जरूर देगी इनको, इट विल डेफिनेटली प्रोवाइड हिम प्रोटेक्शन। इनको सिर्फ आना है और इनो किसी को कुछ भी नहीं दे सकते, नाउ द गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर। हाँ, जब यहाँ रहते तो ये सारा कर सकते थे विदाउट, अगर FIR नहीं फाइल होते या कंप्लेंट्स नहीं होते तो कर सकते। अभी कुछ भी नहीं कर सकते, SIT है, एक करे हैं फ्रेमवर्क, उन्होंने टेक ओवर करके इनके पास जो भी है असेस करते हैं कि इनके क्या असेट्स हैं, क्या उसमें कोई बैंक का लोन है या नहीं है, बुलियन कितना, उसे लिक्विडेट करके एज पर द KPIED एक्ट, या उसमें भी कुछ इसका तकरार हो रहा आता है या नहीं बोल के, anyway, उसे अमेंड करके 180 डेज से रिलीफ लाने की कोशिश करते हैं। मेरी एक ही विनती है मंसूर से कि ही शुड कम इमीडिएटली, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किए हैं कि ही शुड इमीडिएटली कम, क्रेडिबिलिटी रहेगी उनको, रेस्पेक्टेबिलिटी भी रहेगी उनको। हाँ। देखिए, मैं और आप मंसूर के खिलाफ नहीं है, वी आर नॉट अगेंस्ट हिम, व्हाई विल वी बी अगेंस्ट हिम, ये सरकमस्टेंसेस जैसे आप उन्होंने खुद क्रिएट करें, एंड ही इज अग्रीइंग कि मैं गलती कर रहा भाग के, ये गलती करने की तरफ से पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स को, इनको बोलना पड़ता है कि आप व्हाट यू हैव डन इज रॉन्ग, यू आर आल्सो एडमिटिंग टू इट, इसलिए वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस। आप आइए प्लीज, कितने लोग बेघर हो गए हैं उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। और आपका एक और स्टेटमेंट था फरहान साहब, मुझे बड़ा अजब हुआ कि इतने सक्सेसफुल वॉट एवर ही डिड, यू नो 500 लोग उनके दौरान उनके कंपनी के चलने मर गए बोल रहे हैं, जब उसके प्रॉफिट दे रहे थे तब भी। ये गलत कंपैरिजन है, क्योंकि 500 लोग नेचुरल डेथ मरे, इनके पैसे अच्छे खुशी खुशी लेके मरे, ऐसा बोलना बोले तो ये लोग मरे सो डिस्ट्रेस में, पेन में, एगनी में, डिप्राइवेशन में, इसे उसे कंपेयर करना मुझे समझ नहीं आया वो किस हिसाब से कंपेयर करे। और एक बिजनेस को भी बोलना कि देखो बिजनेस एक रेगुलेटेड भी होता है, अनरेगुलेटेड अनसेट थिंग्स हैं ये लोग, दिस आर अनसेट थिंग्स, यू नो, वो खुला बोलना इज एडमिटिंग कि ही वाज डूइंग समथिंग इलीगल, दिस विल स्टैंड अगेंस्ट हिम इन द कोर्ट। हाँ, वही एडमिटिंग कि मैं अनरेगुलेटेड कर रहा था, देन आई वाज किसी IAS ऑफिसर को, IAS ऑफिसर का नाम लेना बड़ी जिम्मेदारी से लेना है, एक इंस्टीट्यूशन होता है IAS का, यू नो दे विल नॉट कीप क्वाइट नाउ, ही हैज टू प्रूव द चार्ज के कौन है IAS ऑफिसर, किसे क्यों देने गए आप पैसे, व्हाट वाज इलीगल थिंग दैट यू आर डूइंग दैट यू वांटेड हिम टू कवर। हाँ, उन्होंने यही कहा है कि उसमें कि जो
500 करोड़ की प्रॉपर्टी, एक मिनट बताता हूँ, और 120 केजी का ज्वेलरी और 600 बुलियन था। तो ये फ्राइडे नाइट को निकालने के मेरे डायरेक्टर कोशिश की, जो आप बोले कि पता नहीं है निकाले नहीं, लेकिन हमको क्या मालूम है। अब बात ये, यहाँ एक चीज़ और ये बोल रहे हैं, इसकी भनक इनको 3 महीने पहले लग चुका था। तो जब ये 3 महीने पहले आपको लग चुका था कि ये सब हो रहा है, तो आपको जो नए इन्वेस्टर थे उनको रोकना चाहिए था। बिल्कुल सही, सेफ गार्ड करना था। हाँ। इमीडिएटली अथॉरिटीज को बोलना था, उनका हेल्प लेना था, करेक्ट, नवे इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लेना था। हाँ। अब क्यों ले फिर? हाँ। उनको चीट किए ना, दे वर चीटेड ना, यू तो आपको मालूम था द कंपनी इज गोइंग डाउन, एंड यू ऑल्सो क्लेम दैट यू नो कहीं लीडर पे प्रेशर कर रहे थे, इवन अज्यूमिंग दैट दैट इज राइट, करेक्ट, व्हाई डिड यू टेक दिस न्यू इन्वेस्टमेंट्स, हैज इट टेकन? नहीं, ये सारी बात जाने से पहले आप रखते तो पूरी जो आपके साथ जनता, देखिए आप उनकी जनता नहीं, मुझे है। मुझे ये ताजुब है फरहान साहब के जो लोग इनको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी गुडविल। हाँ। इतनी गुडविल उसे लेके ये लोग, ही कुड हैव टर्न द टाइड, उसका सपोर्ट लेके पूरा हमारे जैसे लोगों को, आई डोंट नो हिम, मैं मिला नहीं उनको। हाँ, हाँ। हमारे जैसे लोगों को नॉक करते ना। हाँ, मैं तो पूरी हमारी पूरी पार्टी 14 एमपीज को सीधा मायावती से बात करके इनके पीछे लगा देता था, सीएम। हाँ, को बात करके। हाँ, हमारे सीएम भी अच्छे आदमी है। हाँ, वेड़ा स्टूड बिहाइंड हिम एंड द पॉपुलेशन, अभी भी ये इतनी बड़ी धांधली के बाद भी इट इज हार्टनिंग एंड यू नो सरप्राइजिंग टू सी सम पीपल सपोर्टिंग हिम, देयर शुड हैव बीन समथिंग गुड इन हिम, व्हाई डिड ही रन अवे? Giving scope for these things. और इतने वीक नहीं लगते थे कि मतलब कि इतनी परेशानी में भाग जाएंगे। और दूसरी बात है कि देखिए, जब आपके पास पैसा था, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि इतना पैसा था, तो फिर आप जो आईएएस ऑफिसर का 10 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट लेना चाह रहे थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाह रहे थे, तो वहाँ कुछ तो इलीगल था कि आप 10 करोड़ का ब्राइब दे रहे हैं। नहीं, एक बात तो मैं आपको साफ से बोलता हूँ, ये बिजनेस एथिकल और बिजनेस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं चल रहा था। जी, ही हैज हिमसेल्फ एडमिटेड ना कि कुछ चीजें रेगुलेटेड। इनफैक्ट एक बात मुझे बड़ी अजब दिखी फरहान साहब, इमोशनल है, डिस्ट्रेस में है, सो आई वॉन्ट टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, अल्लाह माफ करें, ही सेज के इवन प्रॉफिट के ऐसा कुछ कहा कि प्रॉफिट के बच्चे भी होते तो शायद बिजनेस, दैट एनालॉजी इज मिसप्लेस्ड, अनवारंटेड इन दिस होल स्कैम। नबी के साथ किसी तरह की कंपैरिजन ड्रॉ करना इज ब्लास्फेमियस एंड फुलिश। वो ही वाज समथिंग एल्स, उनकी प्रोजेनी भी समथिंग एल्स थी, यू नो, अपनी बात करना। अब तुम्हारे हाथ से नहीं वो चलाने, यू आर एडमिटिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग इलीगल ऑल्सो बाय सेइंग आई वाज डूइंग सम अनरेगुलेटेड, एंड यू आर ऑल्सो इंक्लूडिंग सम आईएएस ऑफिसर। अब आके बहरहाल आप आइए, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट, आप आइए, आपकी क्रेडिबिलिटी अभी भी थोड़ी है, आके प्रूव कीजिए जी, कैन गिव बैक द मनी, ही कांट गिव बैक, कोऑपरेट विद द अथॉरिटीज टू रिटर्न द मनी। तो ये आप कानूनी कार्रवाई के साथ सपोर्ट करके, कौन कौन इनको एक्सट्रॉशन के धमकी दिए हैं जी, कौन कौन मिनिस्टर्स हैं या नहीं हैं या जो हैं गुंडे, उनका नाम लीजिए आप। मैं बोलता हूं आपको, क्योंकि मैं आईपीएस फैमिली से हूं, आईएएस फैमिली से हूं, इनको कुछ भी नहीं होगा। नॉट दिस इज इंडिया, दिस इज नॉट पाकिस्तान, यहाँ के व्यवस्था, यहाँ के जो सिस्टम्स हैं बड़े स्ट्रांग हैं। ही कैन ब्रिंग, ही शुड, अभी इसके बाद ही शुड हेल्प द सोसाइटी टू यू नो बाय क्लीनिंग द डर्ट, करेक्ट। अब मंसूर, अज्यूमिंग दैट मंसूर इज अ क्लीन मैन, आप अगर को भागना पड़ा तो छोटे बिजनेस की हालत, आदमी की हालत क्या होगी? तो यू शुड कम एंड हेल्प अस ना, यू हेल्प अस क्लीन द सोसाइटी, वी आर विथ यू, वी आर विथ यू, डेफिनेटली वी आर विथ यू जी। तो अब ये है कि आईएमए का डाउनफॉल अक्टूबर में चालू हो गया था, लोग वहाँ से ये भी बोल रहे हैं स्टाफ मटेरियल चुराना शुरू कर दिए थे, तो इनको काफ़ी पहले पता चल गया था, तो मेरे को समझ में नहीं आया था ये इनका क्या हुआ प्रॉब्लम जी। दिस जेंटलमैन, आई डोंट नो, एक हम्बल बिगनिंग से हैं ये लोग, इनसे भी मिलना शुरू कर डाले, उनसे भी मिलना शुरू कर डाले, पॉलिटिशियन से दिखना शुरू कर डाले, मीडिया में कन, बिजनेस करने वालों को इस सबसे मिलने की ज़रूरत है, फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब फ्लॉन्ट करने के बाद इनका बेड़ा अगर गुनोज करे, अगर करे रहे तो, आई मीन दैट इज व्हाट ही सेज, आई एम गोइंग बाय हिज यू नो वर्जन। क्या जरूरत थी आपको? अगर आप एथिकली चला रहे हैं, आपके पास पूरे परमिशन है, तो व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड ऑफ टेकिंग यू नो मिनिस्टर्स एंड एमएलएस एंड शोइंग योर ट्रेजरी? और दूसरी बात कि ये वन मैन शो हो गया था, ये कॉर्पोरेट स्टाइल में चल रहा था नहीं, क्योंकि जब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, टर्नओवर इतना ज्यादा हो जाता है। नहीं, वो तो मैं भी आप बात कर चुके हैं कि ये लोग मंसूर बोले कि सिर्फ गोल्ड का जो ट्रेड था, हाँ, उतना ही इन्वेस्टर्स का कॉम्पोनेंट था, हाँ, तो उतना चीप गोल्ड क्या बेचते हैं वो, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का नहीं, जो ऑपरेशन चल रहा था वहां पे, मतलब जो कि देखिए अब इतनी बड़ी ज्वेलरी के शॉप में स्टाफ ज्वेलरी चला, कुछ भी हो,
बहुत बड़ा धक्का और एक हमारे कम्युनिटी पे पड़ा है. जी ही हैज टू कम बैक. ही हैज, अगर वो सही है मेरे हिसाब से, तो मैं किसी तरह से सोच, ही इज नॉट राइट मेरे हिसाब से. मैं गलत भी हो सकता हूँ. मैं बी एम बी ए हूँ. मैं बड़े इकोनॉमिक से मिला, इनसे बोला, सभी लोग बोलते हैं कि ही इज रॉन्ग. इवन आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव. आई थिंक दिस इज नॉट साउंड. अगर आप कह रहे हैं कि आप हैं, तो चलो आपकी बात मान के चलते हैं. कम हियर एंड क्लीन द सोसाइटी. एंटायर मुस्लिम कम्युनिटी पे क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये कैसे कैनिबल्स हैं, कि अपने ही लोग को खा रहे हैं. वी आर बीन लुक्ड अपॉन एज विद कंटेम्प्ट. एक एक्साइपी ऑफिसर बोलते थे कि सर, बाकी की नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हमने कंपैशनेट ह्यूमर जोकर्स का, सर जोकर्स नहीं खान साहब, कंटेम्प्ट से देख रही है कि किस खदर के लोग हैं ये, इनकी इनका किसके उम्मत है ये, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, इनको क्या हो गए. इसमें मंसूर आके अगर क्लैरिफाई कर सके, इफ यू कैन यू नो सेट थिंग्स इन ऑर्डर, क्लीन द स्लेट, इट बी अ ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी एंड द नेशन ऑल्सो. नहीं, इसमें एक चीज़ और बोल दिया कि जो मिनिस्टर हैं जमीर खान, वो भी मेरी मदद नहीं कर सकते हैं. तो मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये प्रजम्पशन से देखे जमीर खान ने क्यों नहीं कर सकते. जमीर खान टुडे इज अ फेस ऑफ माइनॉरिटीज, वॉट एवर इट इज, ही इज माय फ्रेंड, इज अ वंडरफुल मैन, हेल्प करेंगे. अब उसके इफ यू आर ट्राइंग टू कनोट समथिंग, देन यू हैव टू कम एंड डू इट हियर. जमीर भी करेंगे और दूसरे भी एक लड़का है, उन्हें भी, everybody is ready, together. लेकिन आप आइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी आइए. जमीर नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकता, फरोज अब्दुल्ला साहब ऐसे हैं, फलाना ऐसे हैं. अरे भाई, हाउ आर यू अलेजिंग, वी आर अलेजिंग अगेंस्ट यू, इवन दो वो है ना बेसिक इंटरनेशनल डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ के प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस टू इनक्विटी, यू आर स्टिल इनोसेंट. Come and prove it. All the agencies will stand by you. We will stand by you. But if you do not come, you are a criminal. You are definitely a criminal, categorically. If you come, then you are serving the society. Agar aapse galti bhi ho gayi hai, something has happened, you were not able to handle it, at least come and redeem karo na situation ko. Ki chhodo, mere se galti ho gayi. Martyr bano yaar. Ye cause ke wajah se martyr bano. Ab lo duaya. आप, मैं पढ़ रहा था फरहान साहब आपके चैनल में भी, कितने लोग बोले कि मंसूर भाई आ जाओ, या इन लोगों को पंप, इनको समझने भी नहीं आ रहा है. दे स्टिल हैव होप्स ना, उसे तो तुम्हें आप यूज करो. तो अब ये जो लोग कन्फ्यूजन में, थोड़ा एक 30 सेकंड में ये बताइए कि अभी कैसे काम चलेगा. मतलब उनको आना पड़ेगा और पूरा पुलिस और ये करेगा, पूरे एसेट्स को गवर्नमेंट ले लेगी. मैं गवर्नमेंट का मतलब है जो एजेंसीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ले लेंगे, असेस करेंगे जी. उसका पूरा एस्टिमेट करके, लिक्विडेट करके, जैसा इन लोगों को इन्हों पैसे डाले, इनको कितने मिलते हैं, इनको अगर 1000 करोड़ मिले तो 1000 करोड़ के प्रोपोर्शन में इन्वेस्टर्स को दे देंगे, विक्टिम्स को दे देंगे. समझो मैं 1 लाख रुपए डाला हूँ, तो मुझे शायद 10,000 मिलेंगे या ज्यादा भी मिले. जो 50 लाख डालें उनको ज्यादा मिलेंगे. 50 लाख को 50 लाख उतना है कि एसेट्स देखना, कम से बस मिलेंगे, कम ही मिलेंगे शायद, क्योंकि ये एडमिट भी करें ना कि आई एम बैंकरप्ट. और ये भी ये बोले हैं कि मैं बताता हूँ नाम, आप उनके पास जाके पैसे, ये किस तरह का लॉजिक है. ये पैसे तो आपको दिए, आप फोरफिट कर दिए, यू आर नॉट एबल टू होल्ड द कंपनी. आप उनसे नहीं ले सकते, इतने बड़े लोग हैं, आप इतना बड़ा. वो वी के उबेदुल्ला, वो बच्चे कितने सफर हुए बच्चे, वो आप ये भी बोल रहे हैं कि मैं, हाउ डेयर यू से दैट, कि मैं 12 साल, क्या 12 साल आपके घर के पैसे से पाले आप ये लोगों को, उनके पैसे नहीं. वो हाउ दैट इज डन, दैट एरोगेंस. ये आदमी को कोई अकल नहीं बोला वीडियो में आने से पहले, इसे कोई अकल नहीं बोला कि भाई तू बात कर रहा है तो जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बात कर. मैं पाला, क्या मतलब है पालने का. हमें भी फिलंथ्रोपिस्ट हैं, आप जानते हैं हमारी फैमिली, हम भी करके बोलते हैं क्या ऐसा कौन, तो भी यू आर टेकिंग देयर मनी. There is a big question whether yours is a Ponzi scheme. आप कह रहे हैं कि true business ने, then you say it is unregulated भी था, regulated, unethical भी बात कर रहे हैं. इतने contradiction आपके पास हैं. आप पहले एक lawyer से सलाह करो, क्या बात करना है वैसे बात करो आप. People are laughing at that video, फरहान साहब, कि ये क्या है. See, because I hail from a family of police officers, ये क्या बोल रहा है, अभी ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, क्या मतलब इसका बोल के. You know, that is too much of self-implication, self-implicating, self-incriminatory, contradictious. That is what he has done. तो अभी तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम मीडिया में हैं, आप पॉलिटिकल में हैं, आप लोगों को जानते हैं, आप हमसे मदद चाहते हैं, तो मांगिए, आइए, आप प्रूफ. हमारे कैडर्स आएंगे. हाँ. आपको, आप खटखटा के देखे, मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ. हाँ. दूसरी कांग्रेस भी है,
सभी सभी लोग डिस्ट्रेस में हैं, सारे पार्टी की बात नहीं है, गरीबों की बात है। आई एम श्योर सीएम विल हेल्प हिम, जमीर अहमद विल हेल्प हिम, रिजवान आल्सो विल हेल्प हिम, एवरीबॉडी विल हेल्प हिम, वी आर ऑल देयर। यू कम क्लीन, आप जो मेस क्रिएट करके गए हैं, आपसे हुआ कि कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होके करें कि आपको धमका के करें कि आप, अल्लाह आपको जिंदा रखा ना, खुदा का करम है, आप आइए बहादुर के जैसे, आइए बहादुर के जैसे आके बोले कि देखो ये मेरे से हुआ, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ को आप मदद कीजिए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि कोई आपको खड़े खड़े मार देगा, नहीं, 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 वो सब नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। अरे यहाँ डकैता टेररिस्ट एमपी बन रहे, इनको क्यों मारते हैं, इनको क्यों मारते हैं, एमपी बन रहे हैं ना, तो इनको क्यों मारते हैं। आज भी हमारी कौम देखिए, इनको मुझे कभी मुझे लगता है क्या शुड आई लाफ और शुड आई क्राई, ये इनोसेंट है या इग्नोरेंट है। आज भी उम्मीद लगा के करें कि आप आ जाओ, उस गुडविल को आप यूज कीजिए प्लीज। आपको अभी क्रिमिनल के तौर पे नहीं देख रहे हैं लोग, आपको अभी भी देख रहे हैं कहीं एक एक छोटा एक लैटिट्यूड दिए कि शायद ये आदमी किसी दवा में किया होगा, तो उसको उस भरोसे को कामयाब करने के लिए आना पड़ेगा जल्द से जल्द। आइए, अदर इफ यू डोंट कम यू आर एन अफेंडर, यू आर ए क्रिमिनल, इफ यू कम देन यू विल डेफिनेटली बी ट्रीटेड एज यू नो अ मैन हु ट्राइड हिज बेस्ट बट फेल्ड ड्यू टू सरकमस्टेंसेस वॉट एवर दे मे बी। नहीं, आपने सब लोगों का जिसका जो हेल्प करने के लिए रेडी है उनका नंबर उनके पास है, जरूरी नहीं कि पब्लिक में बोले, प्राइवेटली बोल सकते हैं, मैं आ रहा हूँ आप लोग मिलिए हमसे। हमारी पहले के जो पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार साहब मेरे अजीजाना दोस्त और अब के आलोक कुमार हैं, वेरी एफिशिएंट हैंड्स हैं ये लोग, अभी तो ये चेंज हो गए ना, आलोक हैं, आलोक हैं, आलोक कुमार हैं, वंडरफुल ऑफिसर हैं, इज अ वेरी मैन ऑफ सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी हैं, ही विल स्टैंड बाय हिम, पुलिस विल स्टैंड बाय हिम, ही डिड नॉट फियर, ही डिड नॉट फियर एट ऑल। ठीक है, तो शरियार भाई आपको इस पे रोशनी डालने के लिए सही है, आप देखते हैं मंसूर खान कब आते हैं और इस चीज को क्लियर करते हैं। मंसूर खान को मैं आपके चैनल के थ्रू अगर देख रहे हैं तो मैं ये डेफिनेटली देख रहे हैं, मेरे को 100% उम्मीद है कि देखते हैं वो। मैं खुद उनका इतना जब भाग गए तो मैं इतना क्रिटिकली बात किया, उसके बाद मुझे कमेंट्स देखा तो इनका जो सपोर्ट, जो ओवरवेलिंग सपोर्ट जो बेचारे कर रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा ये क्या है, क्या ये क्या किस, ये किस तरह का आदमी था जी। मगर इन्हों जो वीडियो भेजे हैं, इन्हों सोच समझ के भेजना वीडियोज, हो बड़े बड़े लोगों के नाम ऐसा नहीं लेना, क्योंकि उन्होंने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उनके इसमें भी सर्विस है, आपके साथ उनका पर्सनल क्या था, इधर आके बोलिए आप, उनको ओपनली मलाइन क्यों कर रहे हैं आप, यू नो यू हैव एवरी राइट टू यू नो कैच होल्ड ऑफ देम बट विद प्रूफ एंड एविडेंसेस, देन यू आर रनिंग अवे इस प्राइमर फेस प्रूफ दैट यू नो दिया, प्रूफ करेंगे तो हर कोई सपोर्ट करेगा, हर कोई पूरा सिस्टम साथ है, वो लोग भी आपका साथ देंगे इफ दैट इज पॉसिबल, वो भी सिस्टम का हिस्सा है ना, कहां भागेंगे वो, उनको भी बुलाएंगे, पुलिस विल कॉल देम आल्सो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।